हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड शेयर के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा था करेक्शन होगी एंड 44.70 करेंट प्राइस है। -4.99% का लोअर सर्किट लगा है। रीज़न जानेंगे कि गिरावट क्यों हो रही है एंड कहां से बाउंस बैक करने के चांसेस हैं एंड कल के टारगेट्स भी जानेंगे। ASM स्टेज वन में है शेयर। Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं। डेट डिस्क्लोज हो चुकी है। आज 48.10 का हाई बनाया था बट फ्रेंड्स, आज निफ्टी भी रेड में थी, नेगेटिव थी, इसलिए ऑलमोस्ट आज सारे शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। लास्ट फ्यू डेज से निफ्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो फ्रेंड्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक रीज़न है। एंड अभी आपको इस शेयर में क्या करना है, तो फ्रेंड फ्रेश एंट्री जो लेना चाहते हैं 40 रुपीज़ तक वेट कीजिए, क्योंकि कल भी इसमें एक हमें नेगेटिव रिटर्न मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। सेलिंग का प्रेशर देखिए, 5,37,000 शेयर BSE में सेलिंग में लगे हुए हैं। रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट भी हम विद इन 15 डेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, 1 अगस्त को ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई थी, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि 13 अगस्त सैटरडे को इनके रिजल्ट आने वाले हैं Q1 के। तो फ्रेंड, Q1 का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो शेयर में अपट्रेंड रैली ज़रूर देखने को मिलेगी। फ्रेंड, जिन लोगों ने भी बाय लोअर साइड पे किया था वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। प्रोमोटर्स होल्डिंग स्टिल सेम है। FII DII ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, बट यहाँ पर प्रोमोटर्स को भी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर शेयर में एक दो दिन लोअर सर्किट लगता है तो फिर से नेगेटिविटी का एटमोसफेयर बन जाता है। लोग पैनिक हो जाते हैं कि कहीं दोबारा 29 तक तो नहीं चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा पैनिक अभी भी शेयर में बना हुआ है, अभी भी लोगों को ट्रस्ट नहीं आया। बट हाँ, 13 अगस्त को रिजल्ट आता है, उसके बाद थोड़ा सा ट्रस्ट दोबारा बन सकता है अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो। सो फ्रेंड्स, आप क्या टारगेट्स लेके चल सकते हैं कल के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आप 42 रुपीज़ का टारगेट लोअर साइड लेके चलिए एंड अपर साइड में 46 रुपीज़ का लेके चलिए। चांसेस ज़्यादा लोअर साइड के हैं बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है उन्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो बने रहिए। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, उसके बाद शेयर रिवर्सल लेगा। 42 रुपीज़ तक जा सकता है, उसके बाद से रिवर्सल लेने के चांसेस हैं। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो हम इसमें बैक टू बैक अपर सर्किट एक्सपेक्ट करेंगे। तो अभी करेक्शन होगा फ्रेंड्स, निफ्टी में भी करेक्शन होगा एंड शेयर में भी प्रॉफिट बुकिंग होगी डेफिनेटली। सो अभी आपको 13 अगस्त तक डेफिनेटली वेट करना है। और अभी जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, एक दो दिन और रुकिए बिकॉज करेक्शन होगा, उसके बाद आप फ्रेश एंट्री लीजिए ताकि एक शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न बना सके। बट फ्रेंड डोंट वरी, 30 रुपीज़ तक ये नहीं जाएगा, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 30 तक नहीं जाएगा फ्रेंड्स। से थैंक यू।